घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप, एक बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन जिससे घर बैठे आप हिंदुस्तानी, कर्नाटक और बॉलीवुड संगीत सीख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो इसमें हर प्रकार का संगीत आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए ये एप्लीकेशन और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज ऐप से। नमस्कार, मैं हूं मास्टर निषाद और आप सभी देख रहे हैं संगीत प्रवाह वर्ल्ड का यूट्यूब चैनल। आज जो मैं अलंकार आप लोगों को बताने जा रहा हूं, सिखाने जा रहा हूं, ये नहीं कहूंगा कि मैंने बनाया है, पर एक अलंकार है जो आप सभी जानते हैं, सीखते हैं, सारे रे ग ग म म प प ध ध नि नि सा, है ना। ये अलंकार हमने स्वरांगिनी में भी सिखाया हुआ है, स्वरांगिनी के दूसरे पेज का ये पहला अलंकार है। तो इसी अलंकार का आज मैंने थोड़ा विस्तार एक कर दिया है और इसको पहले पेज के जो पैटर्न है वैसा स्वरूप दे दिया है। पहले पेज का क्या पैटर्न जाता है, आप पहले बजाते हैं सारे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा, फिर बजाते हैं सा सा रे रे ग ग म म, फिर बजाते हैं सारे ग रे ग म ग म प म प ध, फिर सारे ग म रे ग म प, चार चार के, फिर पांच पांच के, छह छह के, सात सात के पेयरिंग करते हैं। उसी अंदाज में इस वाले अलंकार को हम गाने जा रहे हैं, बजाने जा रहे हैं। इससे फायदा क्या होगा, सारे रे ग म प, आप जो देखेंगे ये एक लड़ टाइप अलंकार है ना, ये एक तो सारे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा, ये जाता है, ये स्ट्रेट स्ट्रेट जा रहा है। लेकिन सारे रे ग में क्या है, एक ऐसे आप देख सकते हैं मथा जाता है जब किसी चीज़ को, है ना, तब ऐसे 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 मथा जाता है, तो एक उसमें गमक पैदा होगी, है ना। जब आप इस अलंकार को गाते हैं, मैं ना गा के दिखाता हूँ एक बार, मैं सा सा रे रे ग ग म म प प ध ध नि नि सा सा नि नि सा ध ब भ म म ग घ रे रे सा, तो एक गमक पैदा होती है इसमें, है ना। तो ये जो अलंकार मैं अभी बताऊंगा, ये गमक के रियाज के लिए आपको काफ़ी मददगार होंगे, है ना, ये जितने अलंकार होंगे, क्योंकि इनमें एक पैटर्न है ना, आप भी बना सकते हैं ऐसे कई सारे पैटर्न्स। एक मेरे जहन में आया तो मैंने सोचा आप सभी के साथ मैं शेयर करूं कि कैसे गले में गमक के लिए इस अलंकार का भी आप रियाज कर सकते हैं, अपने रियाज पैटर्न में इसको जोड़ सकते हैं, अलग अलग थाट में कर लीजिए, अपने अपने स्केल से कर लीजिए। पर बड़ा ही सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है कुछ अलंकार, जैसे जा रहा है सा रे रे ग ग म म प प ध ध नि नि सा सा नि नि ध ध प प म म ग घ रे रे सा, है ना। फिर सा रे रे ग, बस इतना ले लिया, ये तीन सुर हो गए। फिर रे ग ग म, है ना, जैसे पहला पेयर सा रे रे ग, ये एक पेयर, फिर अगला पेयर रे से बनाओ रे ग ग म, अगला ग से बनाओ ग म म प, फिर माँ से माँ पा पा धा, ऐसे तीन तीन के जाने हैं, है ना। ध नि नि सा, उल्टा आ जाओ सा नि नि ध, नि ध ध प ध प पा मा मा ग मा ग रे रे सा। इसमें क्या होगा, जो स्वर भी होंगे ना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पैटर्न वही जा रहा है, तो एक टंग ट्विस्टर टाइप आपके लिए वो शब्द बोलना भी एक मुश्किल होंगी और उससे जबान पे भी वो स्वर आपके बैठेंगे। ये तीन का हो गया, आप चार का कर लो, सा रे रे ग ग म म तक हो गया, फिर रे ग ग म म प ग म म प प ध, है ना। पांचवा सा रे रे ग ग म म प रे ग ग म म प प ध, है ना। छठा सा रे रे ग ग म म प प ध रे ग ग म म प प ध ध नि, सातवा सा रे रे ग ग म म प प ध ध नि रे ग ग म म प प ध ध नि नि सा, है ना। तो ये बेनिफिशियल होगा, स्वरों में बोलोगे तब भी हल्की हल्की स्वरों के शब्दों में गमक आएगी, और जब आकार में करोगे तो गले में जो आंदोलन आ ही रहा है, है ना। इसको मैं एक बार पूरा गा के दिखाऊं तो, वैसे डिस्क्रिप्शन में पूरा लिखा हुआ है, आप उतार सकते हैं अपनी कॉपी में, और उतारने की भी जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से आप इतने अलंकार सीख चुके हैं तो अब तक तो आपको समझ आ गया होगा कि अलंकार का पैटर्न कैसे समझते हैं और याद कैसे करते हैं, तो लिखने की जरूरत है नहीं, वैसे समझ लीजिए बस पैटर्न। पूरा गा के दिखाता हूँ, थोड़ा सा स्पीड में गा दूंगा ताकि उसकी जो तासीर है गमक की वो भी समझ आए आपको। सा रे रे ग ग म म प प ध ध नि नि सा सा नि नि ध ध प प म म ग घ रे रे सा,
इसको सारे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा, ऐसे गाओगे तो फायदा नहीं होना है। जोड़ जोड़ के उनमें वो जो जुड़ाव है एक है ना, ऐसे हिलते 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 हुए ये आगे बढ़ रहा है, वो शेक होते हुए, वो शेक जो है वो गमक है ना, उसको आपको बनाए रखना है ना। सारे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा, ये गले का जो हल्का सा हिलाव है ना, कोशिश कीजिएगा आ जाएगी धीरे धीरे, स्वर ना जाए इसका ख्याल रखिएगा। सारे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा, सारे रे गा गा मा गा मा मा पा मा पा पा धा पा धा धा नी धा नी नी सा सा नी नी धा नी धा धा पा धा पा मा मा पा मा मा गा मा गा गा रे गा रे रे सा। जो वजन मैं दे रहा हूँ उसका भी ख्याल रखिए, हर पैर की शुरुआत पे मैं एक वजन दे रहा हूँ, एक बल दे रहा हूँ, वो बल देने से क्या है गले में एक झटके पैदा होते हैं, तो उससे एक स्वर का पक्कापन है वो। सारे रे गा गा मा पा गा मा मा पा पा धा मा पा पा धा धा नी पा धा धा नी नी सा सा नी नी धा धा पा नी धा धा पा पा मा धा पा पा मा मा गा पा मा मा गा गा रे मा गा गा रे रे सा। सारे रे गा गा मा मा पा रे गा गा मा मा पा पा धा, झटका देने से क्या है एक लय बन जाती है, एक लय बनता है, एक खंड विभाजन हो जाता है और उससे गायकी में मदद मिलती है ना। जब आप वो झटके देते हो जो एक रिदमिक पैटर्न्स बन जाते हैं, तो जो रिदम के साथ अगर आप गा रहे हो तो ऐसा लगता है गले से रिदम चला रहे हो, तो गाने में बहुत मदद मिलती है। सारे रे गा गा मा मा पा रे गा गा मा मा पा पा धा गा मा मा पा पा धा धा नी मा पा पा धा धा नी नी सा सा नी नी धा धा पा पा मा नी धा धा पा पा मा मा गा धा पा पा मा मा गा गा रे पा मा मा गा गा रे रे सा। सारे रे गा गा मा मा पा पा धा रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा। सारे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा। है ना, ये बन गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताऊंगा वो सिर्फ इस अलंकार के लिए नहीं, वो हर अलंकार के लिए है, हर चीज के रियाज के लिए है। रियाज की सबसे खास बात है जो एक शायद हम भूल जाते हैं कभी कभार, जिसको हम मद्देनजर नहीं रख पाते हैं, रियाज का मतलब निरंतरता होता है। ये अलंकार मैंने आपको बता दिया, आपको पैटर्न भी समझ में आ गया, आपने बजा भी लिया, एक बार गा भी लिया, जैसे मैंने अभी एक बार गा के सुनाया, इससे इस अलंकार का असर नहीं होगा। इसका असर तब होगा जब इसे निरंतर किया जाएगा, रेगुलर किया जाएगा। अगर आज एक घंटे कर लिया है तो कल भी घंटे भर इसको करना है, मतलब सिर्फ इसी को नहीं, आपके रियाज की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। वो रेगुलरिटी बनेगी तब है। मानता हूँ कि आप बहुत अच्छा सीख रहे हैं, बहुत अच्छा कर लिया, आपकी पकड़ बहुत अच्छी, अलंकार आपको जल्दी समझ आ गया, पर सिर्फ समझ आने से ये जो अलंकार की तासीर है वो आप तक नहीं पहुँचेगी, है ना। एक बहुत बड़ा वहम होता है हमारा कि हमें कभी कभार कोई चीज़ आ जाती है, समझ आ जाती है, तो हमको लगता है हाँ यार ये तो हमको समझ आ रही है, ये तो आसान है, लेकिन उसकी जो तासीर होती है, वो जो उसका नेचर है, वो एक्चुअली उसका जो असर है, वो तब खिल के आता है जब उसे बहुत टाइम तक किया जाए, तब आपको पता चलता है अच्छा इससे ये असर होता है क्या। जो एक बार अभी हो रहा है वो गले में असर नहीं हुआ उसका, वो आपका पुराना जो गला तैयार था ऑलरेडी, उसके हिसाब से आपने गा लिया, तो आपको लगा रही तो गब गया, बड़ा आसान था, लेकिन वो उसका असर नहीं था। उस अलंकार का असर आपको तब पता चलता है जब वो अलंकार बहुत बार गा चुके हों, तब उसका असर आपके गले में आता है। अभी जो एक बार गाओगे उससे जो फर्क महसूस होगा वो इस अलंकार का फर्क नहीं, वो आपके पुराने रियाज का फर्क है, जिससे कि गला ऑलरेडी तैयार है थोड़ा बहुत, है ना। पर इससे जो हो सकता है वो तभी महसूस होगा जब इसे करोगे, और ये मेरी बातों से अगर आपको महसूस हो जाए ऐसा मुमकिन ही नहीं है, ये करना पड़ेगा तभी महसूस होगा, वरना मेरी कहे पे यकीन तो मेरे ख्याल से आप लोग करोगे नहीं, है ना। और काम
भी आप शायद करो करो ना करो, पर मेरा यही कहना है कि करोगे तो जान जाओगे कि इसकी तासीर क्या होती है। सिर्फ इसकी नहीं, जो अलंकार मैंने दूसरे सिखाए उनकी भी, जो बल के सिखाए मैंने, गरे सम गरे पम ध पम है ना, वो वाला मेरखंड सारे गरे ग स ग सारे गरे सारे सा ग सा गरे, ये इनकी तासीर आपको आपको समझ आ गया है कि ये बजता कैसे गवता कैसे, पर वो असर नहीं हुआ। असर तब होगा जब उन्हें करोगे काफ़ी दिनों तक, है ना। तो ये पैटर्न मेरे ख्याल से आपके समझ आ गया होगा। अब इसी की फैमिली के, या यूं कहूँ कि इसी के प्रकार के कुछ और अलंकार भी हैं जिन्हें भी समझ लीजिए। बड़ा ही, वो तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, सारे रे ग रे है ना, सारे रे ग तक गए वापस ग रे पे आ गए, क्यों? अगला पैटर्न रे से है, क्योंकि रे ग ग म म ग सारे रे ग ग रे, ये एक है, रे ग ग म म ग दो, ग म म ग ग म म प प म तीन, म प प ध ध प प ध ध नि नि ध ध नि नि सा सा नि। इसमें थोड़ा सप्तक का एक सुर ऊपर और लगेगा तार सप्तक का, नि सा सा रे रे सा, फिर उल्टा सा नि नि ध ध नि ध ध प प ध ध प प म म प प म म ग ग म म ग ग रे रे ग ग रे रे सा सा रे रे सा सा नि नि सा। कैसे जाएगा ये? सारे रे ग रे रे ग ग म म ग ग म म प प म प प प ध ध प प ध ध नि नि ध ध नि नि सा सा नि नि सा सा रे रे सा सा नि नि ध ध नि नि ध ध प प ध ध प प म म प प म म ग ग म म ग ग रे रे ग ग रे रे सा सा रे रे सा सा नि नि सा। इसको कर सकते हो, इसको अपने हिसाब से थोड़ा बढ़ा चढ़ा भी सकते हो, सारे रे ग ग म म ग ग रे रे ग ग म म प प म म ग ग म म प प ध ध प प म, एक सुर आगे बढ़ा लिया, म प प ध ध प म प प ध ध नि नि ध ध प प ध नि 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 सा सा नि नि ध ध नि नि सा सा रे रे सा सा नि। लेकिन ये उतना ही करना जितनी रेंज हो, नि सा ध रे रे ग ग रे रे सा, है ना, क्योंकि ये एक आगे बढ़ाया तो सब तक भी आगे बढ़ेगा, है ना। ऐसे ही और बढ़ा लो, सारे रे ग ग म म प प म म ग ग रे रे ग ग म म प प द द प प म म ग ग म म प प द द नि नि द द प प म, लेकिन ये एक सुर आगे और बढ़ जाएगा ऐसे ही, है ना। तो ये वाला इसलिए मैंने पूरा नहीं बताया क्योंकि वो पूरा सप्तक का है, तो वो आपके ऊपर है, आपकी रेंज के ऊपर है, आप करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। तो ये इस फैमिली का था, इसीलिए मैंने थोड़ा जिक्र कर दिया इसका। तो रियाज करो, और बिना रियाज के कुछ नहीं होगा, इतना तो मान के चलो। वीडियो देख लेने से, कितने ही अच्छे गुरुजी के पास सीख जाने से कुछ भी नहीं होगा, अनटिल आप रियाज करो, ठीक है। गुरुजी के पास रहने से, वीडियोस देखने से वो चीज़ें मालूम चल जाती हैं, पर मालूम करने से कुछ होता नहीं है, रियाज करने से होता है। और मेरे ख्याल से मैं सबसे बेहतरीन आपको अगर बात बताऊँ तो रियाज की तासीर ये है कि करते करते उपज आ जाती है। ये अलंकार मेरे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद से उपजने लगेंगे, और उस दिन समझ लेना कि हाँ कुछ कारगर हुआ है सीखना। मेरे वीडियो देखने की जब ज़रूरत न पड़े, न पड़ने लगे, तब समझ लेना वाकई कुछ सीखा है। और मैं भी तभी मानूंगा कि मैंने कुछ मदद करी है, कि इस स्टेज तक पहुंचा दिया कि उपज जो है, क्रिएटिविटी जो है, वो आप तक पहुंच गई है, ठीक है। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। लाइक कमेंट शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि ये अलंकार क्या है, वो लोग भी रियाज करें, एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।